हेलो दोस्तों, मैं दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भैया आज मतलब ये जो वीडियो है, यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मेरा YouTube का 2 महीने का सफर कैसा रहा, जहां पर आपको YouTube कहती है कि आपके 1 साल के अंदर 4000 घंटे कंप्लीट होने चाहिए, वहां पर मैंने आप सबके सपोर्ट से यहाँ पर मात्र 2 महीने के अंदर मैंने 8500 कंप्लीट किया। आप इस वीडियो का देखते रहिए, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरे मतलब यूट्यूब करियर के अंदर कैसा रहा टाइम, और मतलब कैसे मैंने यहाँ पर सफर करके यहाँ पर 8500 और 1000 सब्सक्राइबर्स को आप सबके सपोर्ट के साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरुजी। दोस्तों, मैंने जब मैंने अपने चैनल के अंदर जब वीडियो बनानी शुरू की थी ना, तब मतलब आज से कुछ 2 महीने पहले की बात है, 28 जनवरी या 29 जनवरी की बात होगी, जब मैंने मतलब पहले वीडियो चलाई थी यहाँ पे गैलेक्सी नोट 9 के अनबॉक्सिंग की, वहां पर मतलब, और उसके बाद मतलब मैंने यहाँ पे शुरू किया भैया वीडियो बनाना डेली, और उसके अंदर शायद तकरीबन आए थे व्यूज कोई 50 या 55 व्यू आए थे, लेकिन मैंने मतलब थोड़ा यही सोचा कि चलो ठीक है भैया, मेरी वीडियो है 50 लोगों तक पहुंची, वो भी किसी का क्या गया, वहां पर चलो 50 लोगों ने यहाँ पे देख लिया, और वहां पर मतलब डेली नई नई वीडियो बनती रही। वहां पर जब आई थी भैया सैमसंग की एम सीरीज, तो वहां पर सैमसंग M10, M20, M30, बाद में आया गया Xiaomi के कुछ फोन, Redmi Note 7 Pro, तो वहां पर ये जो वीडियोस थे बनते गए, लेकिन वहां पर आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर व्यूज जो थे भैया वो थे मुश्किल से 50, 60, 70, और अगर कभी मतलब 100 अगर व्यूज पार कर जाते तो वहां पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था कि यहां पर मतलब सेंचुरी हो गई मेरे व्यूज की, तो छोटी छोटी वहां पर खुशियां थी भैया, 50 व्यू आते थे तो भी वहां पर बहुत खुशी मिलती, और यहां पर मतलब कभी ये नहीं हुआ कि यार वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन यहां पर एक वीडियो आपको डेली मिलती थी YouTube के अंदर। अब चाहे उसके अंदर भैया व्यू आते हैं 50, चाहे उसके अंदर व्यू आए 1000, लेकिन आपको यहां पर डेली मेरी तरफ से एक वीडियो मिलती थी, और शायद यही एक कारण रहा था कि यहां पर मतलब व्यूज आते गए, और मतलब कंटिन्यूटी का थोड़ा सा फर्क पड़ता है YouTube के अंदर। अगर आप डेली वीडियो बनाते हैं कंटिन्यूटी के अंदर, तो यहां पर आपको जो सक्सेस है वो बिल्कुल यहां पर मिल जाती है। तो बात करते हैं कि मेरे वीडियोस पर मतलब व्यूज आना कैसे शुरू हुए यहाँ पे, तो मतलब वीडियोस मैंने बनाई जहां पर 50-60 व्यू आते थे डेली, लेकिन यहाँ पर एक वीडियो आई थी Vivo 15 Pro के लॉन्च को लेके, वहां पर उस वीडियो के अंदर शायद बात है यहाँ पे शायद 500 या 600 उसके अंदर व्यू आए थे, उसके बाद से मतलब 500-600 व्यू आते रहे, और वहां पर जब मैंने भैया गिव अवे की वगैरह एक वीडियो बनाई, तो वहां पर मतलब व्यूज आए 14,000, 20,000, 25,000, और ऐसे करते करते मतलब वीडियो बनाई मैंने, और वहां पर एक आपको चीज बताता हूँ, वहां पर फिर से मतलब व्यू जो थे वो आए यहाँ पे 20,000 से लेके वापस आए भैया 200 पे 150 पे, लेकिन वहां पर मतलब डीमोटिवेट नहीं हुआ मैं कि भैया 20,000 से लेके वापस क्यों आ गया, क्योंकि गिव अवे के जो वीडियो होते हैं वहां पर मतलब प्रोबेबली ये देखा जाता है कि आपके जो व्यूज हैं वो यहाँ पर ज्यादा आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं या नहीं होते हैं उनके अंदर थोड़े से जो व्यूज हमारे वो थोड़े से कम आते हैं, तो यहाँ पर मतलब डीमोटिव होने की तो जरूरत है ही नहीं। और अगर हम बात करें भैया वीडियो वायरल होने की, तो यहाँ पर जो एक वीडियो आई थी भैया सैमसंग को लेकर, सैमसंग M10 का गिव अवे, और जो पबजी वाला जो वीडियो था, वहां पर दोनों के अंदर ही 1-1 लाख जो व्यूज थे वो वहां पर क्रॉस करके, तो यहां पर जो ये वीडियो थी वो वहां पर थोड़ी सी वायरल, और अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं यहां पर, अगर आप देख पाते हैं, तो यहां पर ऑलमोस्ट वीडियो के अंदर अब मेरे 1,000, 20,000, 1 लाख मतलब व्यूज आ जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी जो मेरे व्यूज आ रहे हैं वो फिर से मतलब 150-200 व्यूज आते हैं, क्योंकि यहां पर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, यहां पर मतलब जो सब्सक्राइबर्स है वही वीडियो देखते हैं, क्योंकि उन्हें मुझसे थोड़ा सा यहां पर प्यार है, जैसा मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स यहां पर प्यार करता हूं बिल्कुल वैसे ही, तो यहां पर मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, जो मतलब गिव अवे वीडियो होता है, वहां पर आपके व्यूज आते हैं और बाकी वहां पर नहीं आते। और जो मेरा जो ये टाइमिंग रही YouTube के अंदर 2 महीने का, अगर मैं बात करता हूं सब्सक्राइबर्स की, तो यहां पर भैया शुरुआत के अंदर 100 सब्सक्राइबर हुए थे मेरा, आज से जब मैंने YouTube चैनल चालू किया था शायद 10 दिन के अंदर मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे, और उसके बाद मतलब धीरे-धीरे पर डे 10-15 बढ़ते गए, और पिछले दिनों की बात है एक दिन में 100 बढ़े, फिर एक दिन में 150 बढ़े, और मतलब भैया कहानी चलती गई 600, 700, 800, 900, और आज आपके सामने यहां पर 1000 क्रॉस है मेरे सब्सक्राइबर्स। तो मतलब यहां पे मतलब व्यूज की बात करें, सब्सक्राइबर्स की बात करें, दोनों के ही अंदर थोड़ा सा कंटिन्यूटी का यहां पे फर्क पड़ता है। अगर आप रहते हैं भैया कंटिन्यू अपने चैनल के अंदर, तो बिल्कुल निश्चित आपके चैनल के अंदर भी व्यूज और सब्सक्राइबर आ पाएंगे। दोस्तों, आज की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर मेरे 1,034 या 1,035 सब्सक्राइबर्स है, और जहां पर YouTube बात करते हैं, 1 साल के अंदर आपको 4000 घंटे का वॉच आवर्स चाहिए, तो वहां पर मैंने भैया क्रॉस किया है 8500 का वॉच आवर्स मात्र 2 महीने के अंदर। तो यहां पर आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार यहां पर बहुत ही ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद रहा है। दोस्तों, ऐसे ही अपने प्यार, अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।